तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश शिमला की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहा है जहां उनको संबोधित करना है बड़े पैमाने में लोगों को, गरीब कह सकते हैं कि गरीब सम्मेलन जो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में सड़क के दोनों किनारे पर लोग मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आज 21,000 करोड़ रुपए की राशि करीब देश के करोड़ों किसानों को खातों में जाएगी, जो कि एक किश्त है। लगातार बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही है जो तमाम किसान हैं, जो गरीब हैं, जिनको सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिले, उसी के तहत एक बार फिर से जो किसान सम्मान निधि दी जाती है किसानों के खाते में डायरेक्ट 21,000 करोड़ का आज तोहफा जाएगा। इसके अलावा दूसरे तो 12 से 13 सरकार की योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए खासतौर पर बनाई गई है, उसके तहत भी आज प्रधानमंत्री मोदी जो लाभार्थी है उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आप शिमला की तस्वीरें देखिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और दोनों तरफ आपको बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, फूलों की बारिश की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भी है, उसके मद्देनजर भी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। और जैसा कि जयराम ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का यह जो दौरा होगा वो ऐतिहासिक रहेगा शिमला के लिए, जहां पर बहुत ही खास तैयारियां की गई हैं। और बीजेपी या कहें कि मोदी सरकार के 8 साल भी पूरे हो चुके हैं, ऐसे में आज का जो ये सम्मेलन है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, ना सिर्फ अपने 8 साल के जो कार्यकाल के बारे में भी लोगों से बातचीत करेंगे, बल्कि जो उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर दूसरे जो भी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स रहे हैं, उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जो भी उसके जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, उनसे डायरेक्ट संवाद करेंगे। देश के अलग अलग राज्यों में मंत्री रहेंगे, साथ ही साथ जो MLAs हैं, MPs हैं, वो भी मौजूद रहेंगे जो लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ेंगे। और सड़क के दोनों तरफ, बल्कि यहाँ पर जिस तरह से लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं अभिवादन स्वीकार करने को, वो ये बता रहा है कि कितना उत्साह लोगों में है। और ग्राउंड से ही आनंद प्रकाश पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी जरा आप देखिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला की सड़कों से गुजरता हुआ आज गरीब कल्याण योजना के तहत जो कार्यक्रम है वहां पर शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बड़ा कार्यक्रम है, 8 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी पूरे देश में एक तरह से जश्न मना रही है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, अभी प्रधानमंत्री का काफिला ठीक कहाँ से गुजर रहा है और रैली की जो जगह है वहां से कितनी दूर है? आनंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जहां रैली होनी जी, है वहां प्रधानमंत्री का काफिला आ चुका है। और जी जी आनंद कहिए, बोलिए अपनी बात जी। अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे, लेकिन जो रास्ता है वो रास्ते के दोनों तरफ जहां भी जगह मिली है लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि पहले जो ये दूरी थी रोड शो की वो सिर्फ 500 मीटर रखी गई थी, यानी कि आधे किलोमीटर रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए कि जो रोड शो था प्रधानमंत्री का वो लगभग 1 किलोमीटर लंबा हो गया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का काफिला जगह जगह रुक रहा है और जगह जगह लोग उन पर जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका रुककर अभिवादन भी कर रहे हैं। क्योंकि ये शिमला की ये वो सड़कें हैं जहाँ से प्रधानमंत्री का बहुत ही पुराना संबंध रहा है, नाता रहा है। प्रधानमंत्री जब बीजेपी के यहाँ के प्रभारी थे तो इसी मॉल रोड पर, इसी रिस्क पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर घुमा करते थे, यहाँ कॉफी हाउस से कॉफी पिया करते थे, यहाँ के लोगों से संवाद किया करते थे। तो यहाँ प्रधानमंत्री का एक विशेष लगाव है शिमला से, खासतौर से इस सड़क से, रिज मैदान से। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो पिछली भी रैली की थी उसमें मंच से ही कई लोगों का नाम लेके उनका संबोधन किया था। तो ये जो प्रधानमंत्री का कनेक्ट है और खासतौर से हिमाचल की देवभूमि का, उसको देखते हुए यहाँ पे खासी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता। आनंद, जो आप कनेक्ट की बात कर रहे हैं, जरा लोगों से भी पूछिए कि उनका किस तरह का कनेक्शन है पीएम मोदी के साथ। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल से उनका विशेष लगाव है, बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबंध रहा है हिमाचल प्रदेश से,
तो इसलिए हिमाचल के साथ इनका एक गहरा रिश्ता है, इस बार का ये जिक्र करते भी आए और ये बात सत्य है। प्रधानमंत्री इसी मॉल रोड पे कई जगह कॉफी पीते थे, कॉफी हाउस में लोगों के साथ बैठते थे, बैठकी करते थे, जब प्रभारी थे यहाँ पे। बिल्कुल, ये माननीय प्रधानमंत्री जी पहले हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, तो इस प्रदेश में वो चाहे यहाँ का कॉफी हाउस हो या मॉल रोड रिज भी, अन्य अन्य स्थान पे यहाँ के लोकल लोगों के साथ बैठना व उनके साथ चाय पीना उनका एक सब लोगों के साथ प्रेम प्यार रहा है, और इसलिए हिमाचल प्रदेश को ये अपना एक घर मानते हैं। नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए, आखिरकार नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? के मौके पे हाँ, प्रधानमंत्री को लेके उत्साह, इसलिए नारेबाजी की जा रही है, खासे उत्साहित के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत बहुत काम किया है हिमाचल के लिए जी, और ये यहाँ के जनता सब मानती है जी। आप बताइए, प्रधानमंत्री को इतने करीब से आपने देखा? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हिमाचल का प्रधानमंत्री ने चुनाव किया है, केंद्र सरकार के 8 साल का पूरा होने पे यहाँ से पूरे देश को संबोधित करेंगे? जी बिल्कुल, संबोधित करेंगे और बहुत कुछ आश्वासन देंगे, हमें बहुत उम्मीद है। थैंक यू। हमने देखा कि प्रधानमंत्री का काफिला बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लोगों को अभिवादन कर रहे थे, जगह जगह रुक रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश आए जी, 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ इनका, हिमाचल की बहुत कुछ सौगात दी है, जयराम ठाकुर सरकार का भी पूरा समय हो रहा है और प्रधानमंत्री को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आपको बता दें, जो ये मॉल रोड है इसके आप देखिएगा, अभी भी लोग अच्छी खासी तादाद में दोनों तरफ खड़े हैं, और जो जहाँ पे गरीब कल्याण सम्मेलन होना है प्रधानमंत्री का, वहाँ पे तो खचाखच भीड़ है ही है। उसके अलावा यहाँ पर पूरी जो सड़क है लगभग 1 किलोमीटर की, यहाँ पर युवा भी नजर आ रहे हैं, युवाओं से बात कीजिए, आप जरा क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? बीजेपी के प्रधानमंत्री के लेके खासे उत्साहित है, और यहाँ तक कि आप देखिए ऊपर भी लोग, देखिए सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री के झलक पाने के लिए, और प्रधानमंत्री जब यहाँ से गुजरे हैं तो उनके ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश की गई है, जगह जगह पूरी जो सड़क है वो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से पट गई है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री का हिमाचल से किस तरह से बेहद खास रिश्ता है, और प्रधानमंत्री भी वो मौका चूकते नहीं है हिमाचल के लोगों को इस बात को याद दिलाने के लिए कि उनका क्या संबंध रहा है, क्योंकि यही वो सड़कें हैं, यही वो जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री आते थे जब वो संगठन के यहाँ प्रभारी थे, और लोगों से यही जो दुकानें हैं, जो कॉफी हाउस लंबो घंटों बैठ के बैठकी करते थे, संघ कार्यालय जाते थे, बीजेपी कार्यालय जाते थे, तो ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ फूलों की वर्षा की गई, बहुत धीरे धीरे प्रधानमंत्री काफिला के जगह जगह रुका, उन्होंने अभिवादन किया आप लोगों का। बात ऐसी है कि ग्लोबल लीडर्स अगर कोई है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत माँ का सपूत है, जिसने 60 साल के कांग्रेस राज में हुए कुशासन को धोते हुए भारत माँ की उस छवि को पूरी दुनिया में पहुंचाया है कि जिसकी कल्पना हम सुनते थे कि भारत विश्व। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।